हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके जो इंडियन नेवी डबल ए और SSR के ज्वाइनिंग के टाइम जो फ्रेंड्स आपका जो NPR को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट फ्रेंड्स आपके मिल रहे हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं NPR को लेकर। तो फ्रेंड्स, NPR क्या है और NPR आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है? क्या NPR के बिना ही आप जो वो ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं? तो इस पूरे वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम पूरा जो वो बात करने वाले हैं। तो NPR से जो भी कैंडिडेट्स चिंतित हैं तो उनको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लेना और फ्रेंड्स आप ये जो इस वीडियो के 5 मिनट जो बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मैं फ्रेंड्स गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं NPR के बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं पहले भी NPR के बारे में थोड़ा सा मैंने मतलब एक हिंट के तौर पे आपको जो NPR के बारे में बताया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि NPR है क्या और NPR क्या बनवाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे NPR को लेकर मिले और मुझे ग्रुप में ये भी बोला गया कि आप एक NPR के बारे में मुझे NPR के बारे में एक वीडियो जो है वो दे दीजिए, ताकि हम NPR के बारे में कोई भी मतलब एक क्वेश्चन जो है वो नहीं रहे। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पूरा NPR के बारे में जान लेते हैं। और भी फ्रेंड्स आपके अगर NPR के बारे में मेरे बताने के बाद भी आपको डाउट रहता है तो फ्रेंड्स आप जो वो इनके कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कॉल कर लीजिए। नेवी के जो फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट जो होते हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप जो मेल भी कर सकते हैं, तो इसका रिप्लाई जो फ्रेंड्स आपको जो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ से मेल कर सकते हैं और उनको रिप्लाई जो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो NPR से बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों, NPR का फॉर्मेट कैसा होगा ये भी पूरा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस जो है पूरा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं NPR फॉर्म भी आपको दिखा दूंगा, तो आप जो फ्रेंड्स NPR जो साइबर के थ्रू जो है बनवा लीजिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा। वो जो अपना फॉर्म जो अपने आप डाउनलोड करके, साइबर जो अपने आप जो डाउनलोड करके आपको जो NPR जो फॉर्म जो होता है उसको फिलअप करके दे देगा। तो आप वहाँ से साइबर के थ्रू जो है फ्रेंड्स आप प्रिंट निकलवा लीजिए, तो एक जो है NPR जो आपका तैयार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप NPR को तैयार करवा सकते हैं। और इससे ज़्यादा और भी ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप साइबर से थोड़ा सा जो कॉन्टेक्ट कर लीजिए या आप मिल लीजिए, तो उनसे भी आप जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि NPR होता क्या है। तो NPR के बारे में मैंने पहले हिंट दिया था, ये होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि फ्रेंड्स कि NPR अगर नहीं बनवाते हैं तो क्या हमें दूसरा काम क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको NPR यदि नहीं बनवाते हैं तो आप एक काम और कीजिए, जिसमें आपका ओरिजिनल आधार कार्ड और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी मतलब आपके जो भाई बहन माता पिता, ये इनके सभी के जो आधार कार्ड हैं उनकी आपको 6 या फिर 10 कॉपी तक आप जो वो करवा कर ले जा सकते हैं, तो आपको NPR के बारे में कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जो था उसमें मैंसन जो किया गया है, यदि आपने एक अच्छी तरह से उनको रीड किया है तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये लाइन जो आपका 6 नंबर जो पॉइंट है, यू आर एडवाइज टू बी इन पोजीशन ऑफ वोटर कार्ड। यहाँ पे फ्रेंड्स NPR एंड आधार कार्ड इन ओरिजिनल 6 फोटोकॉपीज, इन एडिशनल यू आर एडवाइज टू बी इन पोजिशन ऑफ आधार कार्ड डिटेल्स ऑफ योर फ्रेंड्स 6 फोटोकॉपीज। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से आप NPR यदि नहीं बनवाते हैं तो आपको 6 जो कॉपीज जो आपके फैमिली जो मेंबर्स जो हैं उनके जो आपको ले जाना है। तो NPR फ्रेंड्स बनवाना आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको NPR के लिए मना नहीं करूंगा।
जो स्वैच्छिक हैं वो कैंडिडेट्स जो एनपीआर बनवा सकते हैं, और यदि नहीं चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप जो ये दूसरा जो तरीका है वो अपना सकते हैं एनपीआर को लेकर। अब देख लेते हैं कि दोस्तों आप एनपीआर जो फॉर्मेट कैसा होगा। दोस्तों आपको गूगल को यहाँ पे ओपन कर लेना है जो कि क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है जो कि मैं टाइप कर रहा हूँ, और इसका लिंक जो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको टाइप करके फ्रेंड्स आपको ओपन कर लेना है। और इस पे जो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है पॉपुलेशन फाइंडर 2011, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, और इसके बाद एक न्यू पेज जो ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या प्रोसेस रहती है वो भी आप देख लीजिए। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक मेंशन किया हो रहा है पॉपुलेशन रजिस्टर, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक मेंशन किया रहा है एनपीआर शेड्यूल, इस पर करना है आपको क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एनपीआर का जो फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें फ्रेंड्स आपकी अनेकों भाषा जो है वो दे रखी है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं। तो इस पे फ्रेंड्स आपको जिस भाषा में आप चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में, तो यहाँ पे सारी जो लैंग्वेज जो है वो मैंसन की हुई है। तो मैं एक बार जो दोस्तों आपका हिंदी फॉर्मेट पर डाउनलोड कर रहा हूँ, आप चाहते हैं तो उसी भाषा में आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको कर लेना है ओपन। तो इसके बाद ये फॉर्मेट जो है वो एनपीआर का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोस्तों आपका एनपीआर का फॉर्मेट होगा, और इसको फ्रेंड्स आपका जो हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। और इसमें आपके जो थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स जूम जो कर लेता हूँ, इसमें पहला ऑप्शन लिख रखा है आपका व्यक्ति का पूरा नाम और निवास स्थिति, व्यक्ति का पूरा नाम लिखें, तो ये आपका मेंशन यहाँ पे कर रखा है, देख सकते हैं निवास स्थिति कोड, ये आपको भर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर्स, इस तरह से आपके जो वो कितने पॉइंट दे रखे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे 9 पॉइंट तो ये रहे, और नीचे भी थोड़े पॉइंट और हैं दोस्तों देख सकते हैं। देखिए ये 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, ऐसे इसमें पॉइंट हैं। और इसको आप फ्रेंड्स ज़्यादा जानकारी यदि चाहते हैं तो साइबर के थ्रू जो आप इसको बनवा सकते हैं एनपीआर को। तो ये पूरा मैंने एनपीआर के बारे में मेंशन कर दिया है। और भी फ्रेंड्स आपको एनपीआर को लेकर यदि डाउट है, आई होप आपको डाउट जो इसको वीडियो के देखने के बाद नहीं रहा है, लेकिन यदि आपको ये सच रियल नहीं लग रहा है तो दोस्तों आप जो ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल भेजकर आप पूरा जो पता कर सकते हैं एनपीआर के बारे में। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो एनपीआर से चिंतित हैं। तो दोस्तों आप सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एनपीआर फ्रेंड्स बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, यदि नहीं बनवाते हैं तो मैं इसके बारे में पूरा जो है मेंशन कर दिया है आपको। यदि नहीं बनवाते हैं तो आपको दूसरा तरीका जो हो अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। यदि कोई इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेवी से रिलेटेड पल पल की अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आपको पहुंचाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।